बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वीडियो की SEO किस तरह कर सकते हैं जिससे आपकी वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल हो, मतलब कि उसके ऊपर व्यूज़ और सब्सक्राइबर आए। ठीक है, मैंने यही ट्रिक जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, यही तरीका मैंने अपनी वीडियो पर इस्तेमाल किया है जो कि बहुत पुरानी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उसके शुरू के जो 15 से दिन है यहाँ पे आप देख रहे हैं, उस पर 286 मतलब के इम्प्रेशन आए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा ऐसा देख रहे हैं तकरीबन 7800 तक यहाँ पे जो है वो जा चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद व्यूज़ की बात करें तो व्यूज़ भी जो है इसके ऊपर अच्छे खासे आ रहे हैं और ये मुझे सब्सक्राइबर भी दे रही है। ठीक है, तो ये मैंने किस तरह किया है, किस तरह मैंने अपनी पुरानी वीडियो को भी जो है व्यूज़ पे लाया है, उस पे भी व्यूज़ आ रहे हैं, तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देना है। तरीका मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह करना है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन किस तरह लगानी है। तो वीडियो शुरू करते हैं, इंशाल्लाह मैं इस तरीके से बताऊँगा कि कोई भी अनपढ़ या कोई भी बंदा जो है इसे आसानी से समझ सकता है। समझ लो कि बिल्कुल बच्चों वाला तरीका मैं आपको बताऊंगा और इसको जो इस्तेमाल करेगा इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं SEO क्या है। SEO जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो SEO का मतलब है टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन हमने ऐसे लगाने हैं कि हमारी वीडियो सर्च लिस्ट में आए। ठीक है, हमारा टाइटल ऐसा होना चाहिए कि लोग उस टाइटल को सर्च करें। ठीक है, और हमारे डिस्क्रिप्शन टैग जो है वो ऐसे होना चाहिए कि हमारी टाइटल से भी मिलते हों। ठीक है, तो हमने वो किस तरह करना है, हमने कैसे चेक करना है कि हमारे जो टाइटल है वो कितने लोग सर्च करते हैं और जो सर्च करते हैं उस पर कंपटीशन कितना है, ये सारी बातें हमारी मायने रखती हैं और इस वीडियो में आपको यही बातें मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी देखना है आपने, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी आपको। सबसे पहले बात आती है टाइटल की। टाइटल जो है वो हमने देखना है कि हमारी वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे है। ठीक है, उस टॉपिक को हमने सर्च कर लेना है YouTube पे आके। अब जो भी आपकी वीडियो का टॉपिक है वो आप यहाँ पे सर्च कर लें। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ हाउ टू गेट व्यूज़ ऑन YouTube वीडियो। ठीक है, यहाँ पे मैं ये सर्च कर लिया है, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी सारे कीवर्ड्स दे रहा है जो कि वो कह रहा है कि ये कीवर्ड जो हैं वो लोग सर्च करते हैं। हमें यहाँ पे ये पता लग गया है कि ये जो ऊपर कीवर्ड्स आ रहे हैं ये लोग सर्च करते हैं, ये हम अपने टाइटल पे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि इस टाइटल पे कंपटीशन कितना है, कितने लोग जो हैं वो इस टाइटल को यूज़ करते हैं, कितने इस पे वीडियोस बन चुकी हैं, इस पे कंपटीशन हाई है या लो है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कीवर्ड्स प्लानर की। कीवर्ड्स प्लानर जो है वो काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इसमें काफ़ी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनके वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आते। वही गलतियां जो है मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। आपने कीवर्ड प्लानर ओपन कर लेना है और उससे जो है लॉगिन कर लेना है अपने जीमेल से। ठीक है, उसके बाद यहां से ओपन कर लेना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद मैं यहां पे प्रेस कर देता हूं और जो वहां से हमने कीवर्ड लिया था, जो टाइटल लिया था हमने, इसको यहाँ पर हमने पेस्ट करके गेट रिज़ल्ट पे बता देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने गूगल जो लिखा हुआ है उसके नीचे यहाँ पे प्रेस करेंगे तो गूगल एंड सर्च पार्टनर आ रहा है। ठीक है, हमने वहाँ पे प्रेस कर देना है और जो ये डेट आ रही है हमने यहाँ पे लास्ट मंथ की कर देना है, भाई पिछले महीने में इसकी सर्चिंग कितनी है। यह तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इसकी जो सर्चिंग है सबसे ऊपर आ रहा है वो 1000 से लेकर 10000 तक सर्चिंग हुई है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो कंपटीशन है वो हाई है। ठीक है, यही बात हमें इधर नहीं पता चलती कि इसका कंपटीशन हाई है या लो है। जितने भी न्यू यूट्यूबर हैं या जितने भी न्यू हैं पर्सन हैं, उनको चाहिए कि वो लो कंपटीशन वाली पे वीडियो बनाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है, इसी टॉपिक के जो वीडियो है वो हमने अपलोड कर दी और टाइटल जो है हमने इसी टॉपिक के हिसाब से ही लेना है। ठीक है, तो हम क्या कौन सा ऐसा कीवर्ड इस्तेमाल करें जिसका कंपटीशन जो है वो भी लो हो और उसकी सर्चिंग भी जो है वो हाई हो। ठीक है, मतलब कि उसके ज़्यादा लोग सर्च करते हों और उसका कंपटीशन हाई ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ी सी चेंजिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हाउ टू गेट व्यूज़ ऑन यूट्यूब वीडियो है, हम यहाँ पे सिर्फ इधर कर देते हैं हाउ टू फास्ट को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चेक करते हैं कि इस पर कौन सा रिज़ल्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे अब जब हमने सर्च किया तो ये कीवर्ड जो है 10000 से लेके 1 लाख तक लोग सर्च करते हैं।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन अभी भी मीडियम है, लो नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हाउ मच डज यूट्यूब, ठीक है, यहाँ ये कंप्लीट नहीं है, आता है, लेकिन यहाँ पे इसका कंपटीशन जो है लो है, लेकिन इसकी सर्चिंग भी कम है। हमें ऐसा चाहिए जिसका सर्चिंग भी ज़्यादा हो और उसका कंपटीशन भी लो हो। तो ऊपर हम टाइटल में जो है इसकी थोड़ी सी और चेंजिंग कर देते हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोग आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि ये कीवर्ड हमारा जो है, अब जैसे मैंने पहले यहाँ पे फास्ट यहाँ पे मैंने सर्च किया था, ठीक है, तो यहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं कि यार हाउ टू गेट यूट्यूब वीडियो ऑन, मतलब हाउ टू गेट व्यूज़ ऑन यूट्यूब फास्ट, ठीक है, यहाँ पे ये सर्च किया और वो देखते हैं कि यार ये कंपटीशन जो है वो हाई आ रहा है, तो चलो यार कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। नहीं भाई, इसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो तो मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि भाई इसी को आप थोड़ा बहुत चेंजिंग करके अच्छा जो है रिव्यू ले सकते हो। मैं बताता हूँ, अब यहाँ तो 1,000 पे और 10,000 बता रहा है कि 1,000 से लेकर 10,000 तक लोग जो है वो सर्च करते हैं, लेकिन कंपटीशन हाई है, मतलब कि इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बन चुकी हैं इस कीवर्ड पे। लेकिन हमने क्या करना है, हमने यहाँ से इसको थोड़ी सी चेंजिंग कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे ये चेंजिंग की, फास्ट को ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको भी, हाउ टू को भी ख़त्म कर देता हूँ, गेट व्यूज़ ऑन यूट्यूब, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या रिज़ल्ट देता है हमें। तो यहाँ पे ये एक रिज़ल्ट दे रहा है, 1,000 से लेके 10,000 तक लोग सर्च करते हैं, कंपटीशन भी लो है, और यहाँ पे लेकिन हमारा ये कीवर्ड्स काम का नहीं है भाई, यूट्यूब सब्सक्राइबर, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे अभी भी हमें कोई नहीं मिला, तो हम इसकी थोड़ी सी और चेंजिंग कर देते हैं। हमने, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो SEO के रिलेटेड है, तो हम इसके चेंजिंग सारी कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं यूट्यूब SEO, ये सर्च करके देखते हैं एक बार। ये सर्च किया तो यहाँ पे आ रहा है यूट्यूब SEO, यहाँ पे कंपटीशन भी लो है और 10,000 से लेके 1,00,000 तक लोग इसे सर्च करते हैं। ठीक है, अब सिर्फ बात आती है कि हम सिर्फ ये शॉर्ट कीवर्ड जो है वो नहीं लगा सकते अपने यूट्यूब पे, मतलब कि टाइटल पे नहीं लगा सकते। अब इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, जो ये 10,000 से लेके 1,00,000 तक जो इसके रिसर्च है, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम जो है वो अपने टाइटल में डाल देते हैं। लेकिन सिर्फ ये टाइटल हम अपने जो वीडियो का है वो नहीं रख सकते। अब ये शॉर्ट कीवर्ड है, हमने इसको शॉर्ट कीवर्ड नहीं करना, हमने इसको इससे थोड़ा बड़ा करना है, मतलब कि सिर्फ इतना सा कीवर्ड हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में और सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम नीचे देखेंगे जिसका कंपटीशन भी लो हो और कीवर्ड भी बड़े हों। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये आ रहा है यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करके देखते हैं, इसके जो कंपटीशन है वो भी लो है और 1,000 से लेके 10,000 लोग जो है वो इसे सर्च करते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाने के बाद इसको यहाँ पे अपने वीडियो के टाइटल में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यूट्यूब SEO इसको हम कर देते हैं एंड पे, यहाँ से इसको उठा के हम इसको यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसके दरमियान में जो है वो ब्रैकेट भी डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट आ गया, उसके बाद अब ये हो गया जी हमारी वीडियो का टाइटल। यहाँ पे हम एंड पे लगा देते हैं, टूल लिख देते हैं, या टूल नहीं लिखना तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा के 2021 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारी वीडियो का टाइटल, जो कि हमारा सर्चेबल भी है और ये कीवर्ड जो है वो 10,000 से 1,00,000 तक लोग सर्च करते हैं और इस कीवर्ड को जो है वो 1,000 से 10,000 तक लोग सर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सेम कीवर्ड जो है वो आपने यहाँ से उठा लेना है, जो ये वीडियो का टाइटल है अपने यहाँ से उठा लेना है और अपने टाइटल के, मतलब के डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। ठीक है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमारी सेम हो जाएगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन में हमने और भी थोड़ा सा काम करना है जिससे हमारे वीडियो पे और ज़्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, तो वहीं पे आना है आपने दोबारा कीवर्ड प्लानर पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दूसरे कीवर्ड हैं यहाँ पे, मतलब के सबसे पहले ये वाला जो है इसको सिर्फ कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, के बाद और यहाँ से ये जितने भी, मतलब कि ये YT SEO टूल जो है इसको भी यहाँ से आपने कॉपी करके इसको, मतलब कि जितने भी आपके पास जो ज़्यादा सर्चिंग और लो कंपटीशन वाले हैं, यहाँ पे आपने 4-5 मतलब कि कीवर्ड्स यहाँ पे भी डाल देने हैं, ताकि हमारे टैग, डिस्क्रिप्शन और टाइटल तीनों सेम हो। ठीक है, अब आपने यहाँ से ये उठा लेने हैं। ठीक है, अब उसके बाद बारी आ जाती है टैग्स की।
ठीक है। अब टैग्स जो हैं वो सबसे पहले आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक अला लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ सलमान टिप्स एंड ट्रिक्स, और दूसरा भी सलमान टिप्स एंड ट्रिक्स, मतलब कि अपने ही चैनल का जो है वो दो टैग मैंने लगाए हैं। इससे मुझे क्या फ़ायदा होता है, इससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि जो मेरे चैनल की वीडियो है उसमें, और मतलब कि अगर जब भी मेरी वीडियो कोई प्ले करता है ऐसे, उससे अगली वीडियो जो है वो मेरी ही आती है। अक्सर ऐसे होता है, कभी कभी किसी और की भी आ जाती है, लेकिन अक्सर जो होता है वो मेरी ही वीडियो आती है, क्योंकि उसके टैग जो है वो अक्सर सेम होते हैं। जब आपके टैग सेम हो जाएंगे दूसरी वीडियो के साथ, तो आपकी वीडियो जो है उसके साथ लाजमी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने वो जो टैग यहाँ से उठाए हैं, मतलब कि कीवर्ड जो है ये सबसे पहले मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है जो वीडियो का टाइटल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके इसको मैंने टाइटल को भी डिस्क्रिप्शन मतलब टैग बार में डाल देना है। उसके बाद दोबारा आपने आ जाना है कीवर्ड प्लानर पे, ठीक है। यहाँ पे आपने जो ज़्यादा सर्च वाला है, जैसे कि ये यूट्यूब SEO जो है छोट है, ये टैग यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लेना है और दोबारा से अपने टैग बार में इसको डाल देना है, ठीक है। टैग बार में डालने के बाद एक दो और जो शॉर्ट कीवर्ड हैं वो आपने यहाँ से उठा लेने हैं, जिसकी सर्चिंग ज़्यादा हो और कंपटीशन लो हो, ठीक है। यहाँ पे एक ये आ रहा है, इसके यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है, इसकी भी सर्चिंग ज़्यादा है और कंपटीशन कम है, ठीक है। यहाँ से एक दो तीन जितने भी मतलब यहाँ से आप उठा लें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ से जो वो कीवर्ड आए थे यहाँ से आपने सर्च कर लेना है जो आपके वीडियो का टाइटल है, ठीक है। यहाँ से आप आएंगे, यहाँ से अपने वीडियो का जो टाइटल है वो सर्च करेंगे, ठीक है। सर्च करने के बाद ये जो ब्रैकेट है आपने इनको ख़त्म करना है, ठीक है। ख़त्म करने के बाद अब यहाँ पे जो आ रहे हैं इसी हिसाब से यहाँ पे इसको मैं कम कर देता हूँ पहले, यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। यहाँ पे वो सबसे पहले आ रहा है यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च टूल, यहाँ पे इसको नीचे करना है आपने और ये कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है, ठीक है, और एक कर देना है यहाँ पे टाइटल पे, मतलब कि टैग बार पे, ठीक है। उसके बाद दोबारा आना है वहीं पे टूल आगे कर देना है, टूल को आपने यहाँ पे दोबारा ख़त्म कर देना है, यूट्यूब कीवर्ड ये दोनों आपने जो है वो ख़त्म कर देना है, यूट्यूब सिर्फ रहने देना है, यहाँ पे लिख देना है SEO, ठीक है। यहाँ पे स्पेस देंगे, SEO 2021 जो है वो यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले आपने यहाँ पे कॉपी करके इसको अपने टैग में डाल देना है, ठीक है। इस तरह आपने जो बड़े कीवर्ड्स हैं इस SEO, ठीक है, यहाँ पे उर्दू कोर्स आ रहा है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वो भी दोबारा यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अब इस तरह आप लोग कीवर्ड्स जो है वो इस तरह आपने ले लेने हैं, जो टैग पे लगाने हैं, जो अपने टाइटल पे लगाने हैं वो आपने लाजमी देखना है कि इसके ऊपर कितने लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, कितने लोग इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं, जो कि आपके कंपटीशन हाई है या लो है, ये भी आपने लाजमी चेक करना है। और स्टार्टिंग में जितने भी न्यू यूट्यूबर हैं वो हमेशा लो कीवर्ड्स मतलब कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे जो है वो वीडियो बनाएं और यहाँ पे सर्च कर लें, जो कीवर्ड्स प्लानर पे आके देख लें कि कितने परसेंट लोग जो हैं इस पर वीडियो बनाते हैं, इसका कंपटीशन हाई है या लो है, हमेशा लो पे बनाना है, ठीक है। और इसकी सर्चिंग कितनी है, सर्चिंग ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और कंपटीशन जो है वो लो होना चाहिए, तब ही आपके बाद जो है व्यूज़ आएंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद आपने अपने वीडियो को अपलोड करना है, आपने जो अपनी वीडियो का थंबनेल लगाना है वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपकी वीडियो के ऊपर लाजमी क्लिक करें। जब आपकी वीडियो रैंक हो जाएगी, ठीक है, आपके वीडियो के ऊपर व्यूज़ आएंगे, आपकी वीडियो रैंक करेगी, तो उसके बाद आपकी वीडियो के ऊपर ब्राउज़र फीचर से भी व्यूज़ आ सकते हैं। जब आपके वीडियो पे व्यूज़ आ रहे होंगे तो यूट्यूब आपकी वीडियो के इम्प्रेशन जो है वो दूसरे लोगों तक पहुँचाएगा। जब आपकी वीडियो के थंबनेल अच्छा होगा तभी आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आएंगे, तब आपके वीडियोस के ऊपर ब्राउज़र फीचर से भी व्यूज़ आ सकते हैं, उससे भी आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी वीडियो रैंकिंग में ऊपर आएगी, इससे भी आपके रैंकिंग में वीडियो ऊपर आ सकती है। तो इस तरीके से अगर आप टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन लगा देते हैं तो 100% गारंटी है कि आपकी वीडियो वायरल ही होगी, आपकी वीडियोस पे व्यूज़ ही आएंगे, ये 100% गारंटी है। और आपकी वीडियो अच्छी होगी तो आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।